A very good morning to all of you. Welcome to the computer class. I am your computer teacher Sukriti and students today we are going to discuss further sixth chapter that is introduction to internet. So students in the previous class we started the topic of multimedia and we talked about what is multimedia and the history of multimedia. So today we are going to talk about how the multimedia is categorized. So let's get started with the first topic. कैटेगराइजेशन सो द मल्टी मीडिया कैन भी डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज बेस्ड ऑन दी इंटरक्टिविटी विद द मीडिया तो बेसिकली हम जो मल्टी मीडिया है बेसिकली हम मल्टी मीडिया को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं वो भी इस बेसिस पे कि हम मीडिया से कितने अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लीनियर मल्टी मीडिया एंड द सेकेंडली वी हैव नॉन लीनियर मल्टी मीडिया सो वेन वी टॉक अबाउट द लीनियर मल्टी मीडिया सो हेयर द यूजर डज नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन द कॉन्टेंट ऑफ़ द मीडिया तो जब भी हम लीनियर मल्टीमीडिया की बात करते हैं तो इसके अंदर हम बात करते हैं कि जो यूज़र है जो भी यूज़ करता है पर्सन मीडिया को तो वो पर्सन का कोई भी कंट्रोल नहीं होता मीडिया के कंटेंट पे मींस सिर्फ और सिर्फ ही कैन सी और वॉच द मीडिया बट ही डज नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द कंटेंट ऑफ द मीडिया नो नेविगेशन फैसेलिटीज़ आर प्रोवाइडेड इन दिस केस तो इस केस में उस पर्टिकुलर यूज़र के पास कोई भी नेविगेशन फैसिलिटीज़ नहीं होती जिसकी हेल्प से वो मीडिया को के अंदर मूव कर सके स्क्रॉलिंग कर सके ओके सो द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इज़ कि जब भी हम सिनेमा हॉल्स में या थिएटर्स में मूवीज़ देखने जाते हैं सो दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस लीनियर मल्टी मीडिया बिकॉज वहाँ पर हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं होता मीडिया कॉन्टेंट के ऊपर सो वी आर जस्ट सिटिंग देयर एंड वॉचिंग द मूवी सो दैट्स वाई दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मल्टी मीडिया ओके सो आफ्टर दिस वी हैव नॉन लीनियर मल्टी मीडिया सो अनलाइ दी लीनियर मल्टी मीडिया यूज़र हैज़ कंट्रोल ओवर द कॉन्टेंट ऑफ़ मीडिया सो लीनियर मल्टी में वी डिडेंट हैव द कंट्रोल ओवर दी कॉन्टेंट ऑफ़ द मीडिया बट जब हम नॉन लीनियर मल्टी मीडिया की बात करते हैं सो so यूज़र के पास हमेशा कंटेंट को कंट्रोल करने की पावर होती है ओके सो यहाँ पर हमारे पास नेविगेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाती है ताकि हम मीडिया को ईजीली हैंडल कर सकें सो वीडियो गेम्स हैं टी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग है या फिर आजकल के एरा में लाइक व्हेन वी सी वॉच वीडियोज़ ऑन यूट्यूब नेटफ्लिक्स एमजॉन प्राइम जी टी जी फाइव सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन लीनियर मल्टीमीडिया ये नॉन लीनियर मल्टीमीडिया के एग्जांपल्स क्यों हैं बिकॉज वी हैव गॉट ऑल द नेविगेशन फैसिलिटीज़ हम अपने कॉन्टेंट को किसी भी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं हम उसको पॉज कर सकते हैं अगेन वी कैन प्ले इट ठीक है हम फास्टर प्ले कर सकते हैं उसको सो दीज आर ऑल द फैसिलिटीज दैट वी गॉट इन द नॉन लीनियर मल्टीमीडिया ओके सो आफ्टर दिस टॉपिक वी कम टू दर टॉपिक दैट इज अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ मल्टी मीडिया सो जब भी हम मल्टीमीडिया के बारे में बात करते हैं सो बेसिकली वी टॉक अबाउट टेक्स्ट इमेज ऑडियो वीडियो एंड एनिमेशन सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट द टेक्स्ट इट कंटेन्स एल्फा न्यूमेरिक करेक्टर्स ज़ीरो टू नाइन एंड ए टू जेड सो एवरीबडी नोज कि टेक्स्ट में हमारे पास एल्फ़ाबैट्स होते हैं और न्यूमरिकल करेक्टर्स होते हैं सो वैन वी टॉक अबाउट द न्यूमेरिकल करेक्टर्स दैट मीन्स डिजिट फ्राम जीरो टू नाइन एंड वैन वी टॉक अबाउट एल्फ़ाबैट्स सोट दैट मीन्स ए टू जेड साथ में हमारे पास कुछ स्पेशल करेक्टर्स होते हैं लाइक हैश डॉलर परसेंट एंड एट एक्सक्लामेटरी साइन एंड एस्ट्रिक साइन सो so, जब भी हमें इनपुट कुछ देना होता है कंप्यूटर को या फिर टेक्स्ट हमें एंटर करना होता है सो वी डू इट बाय द इनपुट डिवाइस दैट इज़ कीबोर्ड एज वेल एज वी हैव सम इंटरनल फीचर्स थ्रू विच वी कैन एंटर द टेक्स्ट इनटू द कंप्यूटर सिस्टम जैसे कि कंप्यूटराइज कीबोर्ड होता है हमारे पास की होता है सो थ्रू दैट वी कैन ऑल्सो गिव द टेक्स्ट इन द सिस्टम सो आफ्टर द टेक्स्ट वी हैव अनदर कॉम्पोनेंट दैट इज़ इमेज

रेंडरिंग में हम उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें दे सकते हैं प्रोसेस कर सकते हैं हम अपने अकॉर्डिंगली मैनिपुलेट कर सकते हैं लाइक हाउ वी एक्चुअली वॉन्ट दैट ग्राफिक्स और इमेज टू बी देयर सो so, इस तरीके से हम इमेजेस के साथ प्ले कर सकते हैं सो so, अब मार्केट में इस टाइम पर मार्केट में वी हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर थ्रू विच वी कैन मेक डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफिक्स वी कैन डेवलप ग्राफिक्स सो सॉफ्टवेयर्स की अगर हम बात करते हैं सो वी हैव एडोब फोटोशॉप वी हैव एडोब एनिमेट फॉर मेकिंग द एनिमेशन वी हैव एडोब इलस्ट्रेटर इन डिज़ाइन सो वी हैव गॉट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर डेवलपिंग द ग्राफिक्स पार्ट ओके सो आफ्टर द इमेजेस वी विल टॉक अबाउट द ऑडियो सो नाउ ऑडियो यू कैन रिकॉर्ड सिंथेसाइज एंड प्ले डिफरेंट साउंड्स तो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं हम ऑडियो को सिंथेसाइज कर सकते हैं और हम इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स को प्ले कर सकते हैं सो देयर आर सर्टेन इंस्ट्रक्शंस एंड ट्रेनिंग कोर्सेस दैट कैन बी डिलीवर्ड यूजिंग दिस मीडिया सो इस पर्टिकुलर मीडिया का यूज करके हम बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस और ट्रेनिंग कोर्सेज को डिलीवर कर सकते हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर मीडिया नोन एज ऑडियो ओके आफ्टर दिस आफ्टर दिस कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ मल्टी मीडिया दैट इज वीडियो सो इट इज अ काइंड ऑफ विजुअल मल्टी मीडिया सो वेन वी टॉक अबाउट द विजुअल मल्टी मीडिया मीन्स वी आर सींग समिंग थ्रू द मीडिया लाइक हम कुछ ना कुछ देख रहे हैं थ्रू द विजुअल्स सो विच कम्बाइन्स अ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस और फ्रेम्स टू क्रिएट अ मूविंग पिक्चर तो बेसिकली अगर हम वीडियो की बात करते हैं तो वीडियो के अंदर क्या होता है उसमें इमेजिस का एक सीक्वेंस होता है एक इमेज का एक अरेंजमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम एक मूविंग पिक्चर को क्रिएट कर सकते हैं सो वीडियो कंट्रोलर इज़ अ प्रोसेसर यूज टू कंट्रोल वीडियो ऑन द स्क्रीन तो हमारे पास वीडियो कंट्रोलर होता है जो कि एक प्रोसेसर है जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर वीडियो किस तरीके से चल रही है उसको कंट्रोल करता है सो so, जनरली ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फ्रेम्स आर प्रोसेस्ड पर सेकेंड वाइल डिस्प्लेइंग एनी वीडियो ऑन द स्क्रीन तो जब भी स्क्रीन के ऊपर कोई भी वीडियो डिस्प्ले हो रही होती है या प्ले हो रही होती है तो जनरली एक सेकेंड के अंदर एक सेकेंड में ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फ्रेम्स प्रोसेस किए जाते हैं तभी वो जो वीडियो होती है अपनी बेस्ट क्वालिटी में देखी जा सकती है ओके सो आफ्टर वीडियो वी हैव एनिमेशन सो इट इज़ द लेटेस्ट मल्टी मीडिया टेक्नोलॉजी सो स्टूडेंट्स ऑल ऑफ़ यू नो दैट हम कार्टून्स देखते हैं लाइक ऑल ऑफ़ ऑल ऑफ यू मस्ट हैव वॉच टॉम एंड जेरी डोरेमोन और मैनी अदर एनिमेटेड मूवीज सो एनिमेशन जो है ये हमारी एक लेटेस्ट मल्टी मीडिया टेक्नोलॉजी है इट असिस्ट इन डेवलपिंग सीक्वेंसिंग एंड शोइंग सेट ऑफ इमेज़सो नोन एज फ्रेम्स तो इसके अंदर हम डेवलप करते हैं साथ साथ हम सीक्वेंस करते हैं कुछ सेट ऑफ़ इमेज़स को ओके सीक्वेंसिंग ऑफ दीज फ्रेम्स गिव्स रियलिस्टिक लुक टू एनिमेटेड करेक्टर्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कार्टून्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ ना कुछ करेक्टर्स को कर, बनाना पड़ता है सो दोज आर नोन एज एनिमेटेड करेक्टर्स उसके बाद हम फ्रेम्स को इस तरीके से सीक्वेंस करते हैं ताकि वो एनिमेटेड करेक्टर्स हमें बिल्कुल एक रियलिस्टिक लुक दे सकें क्योंकि जैसे हम टॉम एंड जेरी अगर आपने देखा है तो आपको लगता है कि लाइक एवरीथिंग इज मूविंग ठीक है सब कुछ लाइक like, चल रहा है दैट इज़ प्लेइंग समवेयर ठीक है सो so, सीक्वेंसिंग का काम यही होता है सो एज़ इन केस ऑफ वीडियो ट्वेंटी फ़ाइव टू थर्टी फ्रेम्स नीड टू बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन टू गेट अ गुड क्वालिटी ऑफ एनिमेशन इफेक्ट्स तो जैसे कि हमने वीडियो में भी बात करी थी कि एक सेकेंड के अंडर ट्वेंटी फ़ाइव टू थर्टी फ्रेम्स प्रोसेस हो जाते हैं तो इसी तरीके से अगर हमें अच्छे एनिमेशन इफेक्ट्स देने हैं गुड क्वालिटी एनिमेशन इफेक्ट्स देने हैं सो इन वन सेकेंड वी नीड टू प्ले ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फ्रेम्स ओके

Such systems can handle text images audio video and animation effectively because made to handle multimedia applications handle that's why these systems are capable of handling text images audio video and animation effectively these systems have high end configurations that is they possess high speed processor and large memory to handle multimedia operations सो so, जब हम मल्टी मीडिया सिस्टम्स की बात करते हैं तो वी ऑलवेज़ टॉक अबाउट द हाई एंड कन्फिगरेशन सो हाई एंड कन्फिगरेशन का क्या मीनिंग है कि इसका जो प्रोसेसर होगा वो हाई स्पीड का होगा और एज़ वेल एज़ इट विल हैव अ गुड स्टोरेज कैपेसिटी लार्ज मेमोरी ताकि वो मल्टी मीडिया ऑपरेशन को ईजिली कैरी आउट कर सके सो नाओ वी हैव गॉट सम फीचर्स विच मल्टी मीडिया कंप्यूटर सिस्टम शुड पोजेस सो अगर कोई भी मल्टी मीडिया कंप्यूटर सिस्टम है सो दैट पर्टिकुलर सिस्टम शुड पोजेस दीज फीचर्स सो वन बाय वन वी विल लुक एट द फीचर्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेसर ऑफ़ मल्टी मीडिया कम्प्यूटर सिस्टम शुड बी फास्ट सो दैट इट कैन टेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा सो इट इज़ बट ऑबियस कि जब भी आपको मल्टी मीडिया कंप्यूटर सिस्टम की आप बात करते हो तो उसके अंदर बहुत सारे आपके पास मल्टी है टेक्स्ट है इमेजेस है यू एंड लॉट्स यू हैव गॉट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्टफ़ सो उसके लिए आपको बहुत फास्ट प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है ताकि आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को बहुत इजीली टैकल कर सको या हैंडल कर सको सो इंटेल प्रोसेसर आई फाइव और हाइयर इज़ रिकमेंडेड फॉर कंप्यूटर सिस्टम हैंडलिंग एनिमेशन सेटअप तो जब भी अगर हमें एनिमेशन की बात करते हैं कि अगर हमें एनिमेशन को हैंडल करना है एनिमेटेड स्टफ़ को हैंडल करना है तो उसके लिए हमेशा यही रिकमेंड किया जाता है कि यू शुड इधर यूज़ इंटेल आई फाई प्रोसेसर या फिर उससे भी बेटर कन्फिग्रेशन का प्रोसेसर आप यूज़ कीजिए ताकि आप ईज़ीली अपने एनिमेशन सेटअप को हैंडल कर सकें ओके आफ्टर दिस इट शुड हैव लार्ज कैपेसिटी टू स्टोर डेटा ऑब्वियसली बात है अगर आप मल्टी मीडिया की बात करो सो इट हैज़ डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स आपके पास इमेज भी हैं वीडियोज भी है एनिमेशन भी है सो फॉर दैट यू नीड अ कंप्यूटर सिस्टम विच कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एंड हैज़ लार्ज कैपेसिटी ओके सो थर्डली वी हैव इट शुड हैव लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरनल मेमरी टू प्रोसेस द डेटा सो इंटरनल मेमरी का होना भी बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है दैट टू हमारे पास वो इंटरनल मेमोरी लार्ज अमाउंट में होनी चाहिए ताकि हम डेटा की प्रोसेसिंग बहुत ईजीली और एफिशेंटली कर सकें सो एट जी बी और हाइयर इंटरनल मेमोरी इज़ रिकमेंडेड फॉर मल्टी मीडिया सेटअप सो वेन एवर वी टॉक अबाउट द इंटरनल मेमोरी सो उसके लिए यही रिकमेंड किया जाता है कि या तो आपके पास एट जी बी का इंटरनल मेमरी हो या फिर एट जी बी से ज़्यादा इंटरनल मेमोरी हो ताकि आप ईज़िली अपने मल्टी मीडिया सेटअप को ईज़िली चला सकें ओके सो आफ्टर दिस इट शुड हैव लार्ज ग्राफिक्स कार्ड टू हैंडल वेरियस मल्टी मीडिया ऑपरेशन सो ऑल ऑफ़ यू नो अगर हम मल्टी मीडिया की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ग्राफिक्स कार्ड भी बड़ा होना चाहिए ताकि वो डिफरेंट मल्टी मीडिया ऑपरेशन को ईज़िली कैरी आउट कर सके सो जनरली इट इज़ प्रेफर दैट यू शुड हैी बी या फिर आपके पास उससे भी ज़्यादा का ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए ताकि आप अपने एनिमेशन सिस्टम को ईज़िली वर्क करा सकें ओके सो आफ्टर दिस एट द लास्ट वी हैव गुड क्वालिटी ऑडियो सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड फॉर बेटर ऑडियो रिजल्ट सो मल्टी मीडिया है आपके पास एनिमेशन है आपके पास टेक्स्ट है यू हैव गॉट वीडियोज़ ठीक है तो आपको इन सब चीज़ों के लिए ये सब ऑलरेडी हाइयर कैपेसिटी प्रोसेसर की ज़रूरत है ज़्यादा um, uh, ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत है साथ साथ आपको ज़्यादा इंटरनल मेमोरी की ज़रूरत है ग्राफिक्स कार्ड भी आपको अच्छा चाहिए एंड मोर ओवर यू शुड हैव गुड क्वालिटी ऑडियो सिस्टम ताकि जब भी आप किसी ऑडियो को प्ले करो सो इट शुड ऑलवेज गिव यू द बेटर ऑडियो रिजल्ट सो So, with this topic, your chapter is being completed. So, I hope that this was really an interesting chapter and you must have got many things to learn about. So, class, thank you so much.